जब इस जहां में आएंगे तो रहे वतों के गुलाब निकले। ये आप इतने ऐसे बैठे ये हाथ उठा के कोई यहां मैयत नहीं हुई है। मैं नबी के नाक और टेप लगाने की कोई जरूरत नहीं कुर्सी पे। कैसा इश्क, कैसा इश्क जो दावे होते हैं कि हम इश्क करते हैं। कैसा इश्क जो नबी के नाक पर ना बोले वो किस पर बोलेगा? बताओ बताओ। हुजूर जब इस जहां में आए, हुजूर जब इस जहां में आए तो के गुलाब निकले। खाली थोड़ी 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 तवज्जो दे दो, तवज्जो दे दो। आकर दस समय कहने का जो वो रखते हैं हम कुछ कर ना सके। अच्छा चैनल वाले माफ कीजिएगा भाई, हुजूर के आने पर रहमतों के गुलाब खिलने का अगर यकीन है तो वही सुभान अल्लाह का है, वरना मेरा दूसरा मुझे वापस हो गया। वही सुभान अल्लाह का है। सुने ये जो नौजवान इधर बैठे हैं थोड़ा सा अगर नचल जाए अंधेरों में, अंधेरों से निकल के थोड़ा सा आगे आ जाए। भाई गुजारिश करता हूँ, ये आपका अपना जलसा है, बात समझ में बड़ी मेहनत की है। अगर आप इस तरह से खामोश बैठ के सुनेंगे मुझे अच्छा नहीं लगा। सुने हुजूर जब, हुजूर जब, हुजूर जब, हुजूर जब। नौजवान क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? हुजूर जब किस जहां दीन का सच्चा वफादार बनाएगा। सुने महा अंधेरों को मौत आई, जहां दिसालत माफ निकले। काफिया जहन में रखते हैं गुलाब निकले, रिसालत माफ निकले। खुदा की कसम वो शेर पढ़ने जा रहा हूँ कि नाथ का शेर और किस तरीके से इसको बांधा है, हाजिर कर रहा हूँ। मुलाजा कर रहा पूरा मनवा हाथ उठा के अपने आका के नाम पे कहते हैं मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। ये लाल गोपालगंज वालों का जिगरा है कि बड़ा शेर सुन रहेगा, बड़े शेर से मुलाकात करने का गोपालगंज वालों का जिगरा है। हजरत आपके इलाके का जिगरा है। सुने शेर, फजाओं को खुशगवार करेंगे,
शेर अच्छा लगा, जरा हाथ उठा के बहुत सुहाने लगा। फजाओं को खुशगवार करे, हवाओं को मुश्किलवार करे, फजाओं को खुशगवार करे, हवाओं को मुश्किलवार करे, तो हुजूर निकल रहे हैं। भैया इधर के लोग बहुत खामोश से बैठे हैं, क्या अगर है ना, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, लेकिन जरा सा बोलते रहो, मैं बोलने का ठीक है, इनाम में कुछ कमी रखो, लेकिन बोल दो। सबसे बड़ा इनाम है सुभान अल्लाह, सबसे बड़ा इनाम सुभान अल्लाह, तो मोहम्मद से कहो सुभान अल्लाह। सुने निकल रहे नबी के दुश्मन जो कलमा गो है, नबी के दुश्मन जो कलमा गो, पूरा शेर का रुख उठाना, कहां से काफिया बांधा है। नबी के दुश्मन जो कलमा गो है, ये बात ये हशर मुस्तहिक न होंगे, अकीदे जिनके खराब निकले, वो भूल के मुस्तहिक न होंगे, अकीदे जिनके खराब निकले, वो भूल के मुस्तहिक। एक बहुत बड़ा शेर पढ़ने जा रहा हूँ, शर्त यह है कि पांच लोग इस मजमे से खड़े होकर नारा बजा कर देंगे। बहुत बड़ा शेर पढ़ने जा रहा हूँ, सुने सुने सुने। खुदा की कसम मैं बहुत बड़ा शेर पढ़ने जा रहा हूँ, नात का बहुत बड़ा शेर हाजिर कर रहा हूँ। सर तेरे दीवाने, जरा मेरे नबी के दीवाने उठे, बताए मुझे कौन कौन नारा लगाएगा। जो नबी के नाम पे नारा लगाता है, इंशाल्लाह वो दुनिया में किसी से नहीं डरता है। पता है ये दूसरा बताए, दो उधर से हो गए, चौथा बताए, आपने भी नारा लगाओगे। चलो ठीक है, हो गए पांच। सुने 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 गुरूर जिनको भी इल्म पर है, ये बात भी वो नजर में रखे, गुरूर जिनको
का न इल्म बोला जहां से उम्र किताब निकले वहां किसी ये देखिए शायरी का इबादत वाली काम कर रहा है। जी माननीय दत्ता जी हैं और साहब ज्यादा जी है हाफिज शाहबान साहब मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार बड़ी मोहब्बतों से उन्होंने दावत दी और मैं उनकी दावत मोहब्बत पर आया और इनकी तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हाजिर करता हूँ। लहजा कर भाई ने कहा कि मुकर निशा तो फिर मैं पढ़ देता हूँ। सुने सुने ये बात भी वो नजर ये हमेशा से अच्छा सुनते आए और अच्छा सुनेंगे और अच्छा सुनते सुनते इंतकाल कर जाएंगे। वहां किसी का न इल्म बोला जहां से उम्र किताब निकले किसी पस मंजर में किसी बहन में कलाम लहर भी कही थी नए नए हैं। कुछ लोगों ने उधर की दुनिया में सुना था नई नई है लेकिन मैंने जी मैंने कोशिश किया नए नए है। अब तलिक भाई देखिएगा सुने हार गया ख्याल मेरा नया नया है सुखन नबी की अजमत पे जो दिखे वो सारे मिस्र नए हैं। नबी की अजमत पे जो दिखे वो सारे मिस्र नए हैं। मैं एक बात जसारत कर रहा हूँ और जसारत क्या मैं आपको सिर्फ जो है उस दलदल से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ जिस तरह से इलाज मुफ्ती शमसुद्दीन मकराना पूरे हिंदुस्तान में कर रहे हैं वैसे मेरी एक छोटी सी बात के लिए जिससे आप बड़े गुनाहों में शामिल हो जाते हैं बहुत क्रेज चला हुआ है। ये कि सबसे ज्यादा जो अपने आप को इस लाइन में गोरा समझने लगता है तो वो सैयद हो जाता है। जी मैं बता रहा हूँ जो
जो सबसे ज्यादा काला है तो खानदान बिलाल से जुड़ा हुआ है। जहन ये हटा दीजिए वहां से। सैयद होने की दलील यह है कि पैर के नाखून से लेकर बाल के सिरे तक की पूरी सुबह उसकी सैयद होने की दिखाई देती है। बात समझ रहे हैं? अब सुने से ना तुम सखी हो ना तुम गनी हो ज़बान अखलाक के धनी हो न तुम तुम बने हो सैयद तुम्हारे सजने नए नए अभी मसल के आला हजरत सरकार की आमद मैं यकीन बता रहा हूँ आपको इतना खराब माहौल चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि उनको किसी तरीके से दर्जा से निकाला जाए। बात समझ रहे? जो सैयद है वो तो है ही है, भाईजान को तो है ही है, उसको बताने की जरूरत नहीं है कि हम सैयद है। यहाँ के ऊपर टाइट हो रहे हैं। सुने न तुम सखी हो न तुम गनी हो ज़बान अखलाक के धनी हो न तुम सखी हो न तुम अभी तुम बने हो सैयद तुम्हारे सजने नए अभी अभी तुम बने हो सैयद। एक शेर रख पाता हूँ और हुसैनी मचल जाएंगे। कैसे एक शेर कहा है ना, हुसैनी मचल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपके इलाके की मैं ये बता दूं, बात के चाहे चार बच जाए लेकिन ये जाने वालों में से नहीं है। सबसे बड़ी बात ये उठते नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह जीते रहो। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह इस महफिल में सब सब आने वालों को अपने महबूब की जियारत से माला माल कर देगा। ठीक है, हाजिर कराओ। एक शेर सुने, दो शेर सुनता हूँ। बांधा असगर भाई, ये मेरा छोटा भाई है ना, मैं इंदरी मूल से सच बोलता हूँ। लोग अक्सर छोटों को बड़ा बता देता है, उम्र छुपा नहीं हुई, लेकिन ये मेरा छोटा भाई है। अच्छा पौधा एक शेर पौधा हूँ बता रहे है फूल तुम्हारा यज़ीदी नशे कर को छोड़ देना। बता रहा है आए फूल तुम्हारा यज़ीदी नशे कर को छोड़ देना। बता रहा है वही तुम्हारा यज़ीदी नशे कर को छोड़ देना। हुसैन तेरे मुकाबले में
यजीद वाले गए जाते हैं, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज की खास बात यह है कि अच्छा शेयर का इस्तेमाल होता है। इस रदीब का मजा लिया, एक शेर और मुलायदा कर ले, यकीन मानिए मजा आ जाएगा। ये दो दर्जन वालों पे एक तमाचा है, दो दर्जन वालों के लिए समझ लो, दो दर्जन वाले को समझ लो ना। शेर सुनो, सुने नमाज़ उसने पढ़ी है उसने पढ़ी है ऐसी, खुदा की खुद हो गया राजी, नमाज उसने पढ़ी है खुदा की खुद हो गया हुसैन को वो समझ न पाया कि जिसके सजदे गए हैं, हुसैन को वो समझ न पाया। वाह वाह, जब भी समातो अर्ध देश लिखा जाएगा, जब भी समातो अर्ध देश लिखा जाएगा, नामे हुसैन ही नामे हुसैन ही तरह फहरिस्त आएगा, बदला शहीद इश्क ये कैसी नमाज है जिसका सलाम हश्र के दिन फेरा। नमाज उसने पढ़ी समझ न पाया कि जिसके सजदे नए नए हैं, हुसैन को वो अच्छा आगाह करने आए हैं। सुने न तुम अभी तुम बने हो सही